बढ़िया है। हेलो गाइस, मैं अरवाज हुसैन आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल फूडी अरवाज पर। तो गाइस आज हम फिर से जाने वाले हैं मैगी एंड मोर। वहां हम पहले भी जा चुके हैं फैंटा मैगी की वीडियो के लिए। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहां पर मैं आई बटन में यहां ऊपर शो कर दूंगा, वहां से जाकर आप इजिली देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां जो भैया बर्गर बनाते हैं वो भैया दावा करते हैं कि हम लोग ब्रांडेड बर्गर से भी टेस्टी बर्गर बनाते हैं। तो देखते हैं गाइस कैसा होने वाला है उसका टेस्ट। मेरे जो दो दोस्त हैं ओम और जय वो भी जाने वाले हैं, तो मिलते हैं सीधा आपको शॉप पर, चलिए चलते हैं। तो गाइस ये रही भैया की दुकान, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको बर्गर कैसे बनाते भैया। तो गाइस यहाँ पर हमारे बर्गर की मेकिंग शुरू हो चुकी है। उसके लिए भैया ने यहाँ पर तीन बन काटे हैं। हम लोग दो तरह के बर्गर करवा रही है। जो तीसरा बर्गर है ये एक कस्टमर के लिए हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो दो बर्गर है इनके स्पेशल बर्गर है तो वो हम तैयार करवा रहे हैं। जो पहला बर्गर होने वाला है हमारा मेयोनीज वाला होने वाला है, और जो दूसरा बर्गर होने वाला है वो ब्लैंड चीज़ वाला होने वाला है। तो गाइस देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और जो मेयोनीज वाला बर्गर का प्राइस है वो हमारे 30 रुपीज़ होने वाला है, और जो ब्लैंड चीज़ वाला बर्गर है उसका प्राइस 40 रुपीज़ होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बन के बाद बन कट करने के बाद हरी चटनी डालने के बाद ये भैया ने मेयोनीज डाले हैं, और थोड़ी थोड़ी मेयोनीज ये तीनों में डाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ब्लैंड चीज़ और मेयोनीज थोड़ी अलग अलग लगती है देखने में। ये ब्लैंड चीज़ है और जो पहले वाली थी वो मेयोनीज थी। तो देख सकते हैं गाइज ये दोनों में भर भर के यहाँ पर ब्लैंड चीज़ डाल दी है। उसके बाद ये तंदूरी सॉस आ गई है, तो ये वेजीज भी आ चुकी है बढ़िया। तो गाइज मुझे कमेंट करिएगा कि ये जो बर्गर है ये वर्थ है कि नहीं 30 रुपीज़ और 40 रुपीज़ में। तो गाइज़ यहाँ पर ये देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पर टिक्की भी है, यहाँ पर तल रहे हैं तेल में अच्छे से, और ये देखिए गाइस तैयार है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी मक्खन डाली हुई है ना ताकि हमारा जो बर्गर है वो पैन के अंदर चिपके ना। तो ये देखिए गाइस पैन में जा चुका हमारा बर्गर, और उसके बाद ये एक टिक्की आ चुकी है तीनों में। ये देखिए गाइस पैन को अच्छे से डाल दिया है, और थोड़ी देर हम वेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मक्खन डाल दिया ताकि ऊपर नीचे चिपके ना, और उसके बाद ये पैन कर दिया बंद, थोड़ी देर वेट करेंगे। ये देखिएगा इस कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये गाइस हम लोग का थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा बर्गर हो चुका तैयार। ये जो एक बर्गर था ये कस्टमर के लिए जाने वाला है, कोई कस्टमर भी खड़ा था हमारे अलावा। और ये रहे हमारे दो बर्गर। तो गाइस यहाँ पर हमारी दो बर्गर यहाँ पर प्लेट में भी लगने जा रही है। ये देखिए गाइस अच्छे से बेक हो चुकी है, ऊपर नीचे से दबा दिया अच्छे से भैया ने। ये रेड सॉस आ चुकी है, ये देखिए गाइस। तो गाइस एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बढ़िया है।